हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल घर की रसोई। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई क्रिसमस पे बनने वाली प्लम केक की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार होती और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि बिना किसी अंडे के या रमो वाइन के ये बनके तैयार होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप मेरा वीडियो देख सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बड़ा बोल लिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप डेट्स। तो यहाँ पे डेट्स को ऐड करने के बाद इसमें फिर हम ऐड करेंगे 1/4 कप ब्लैक किशमिश और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप इसमें हम ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप कैंडी चेरी और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप चॉप किए हुए बादाम और 1/4 कप ही इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए काजू। तो सारी चीज़ों को इसमें हमने ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ये मैंने 1.5 कप जो है फ्रेश ऑरेंज जूस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ऑरेंज जूस को ऐड करने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट जो है और चेरीज सब अच्छे से जो है जूस में मिक्स हो जाए। तो सबको हमने अच्छे से कर दिया है मिक्स और इसको हम इस तरह से प्रेस करके अच्छे से जूस में हम सोक होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे अब इसे हम कवर करके जो है रख देंगे 4 घंटे के लिए। अगर आप इसे ओवरनाइट रखें तो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम किया, उसमें मैंने 1/2 कप शुगर लिया है और अगर स्पून से लें तो ये 6 टेबल स्पून शुगर है। तो इसको हमें जो है अच्छे से मेल्ट होने देना है लो फ्लेम पे। तो यहाँ शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई, ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है, शुगर अच्छे से कैरमल हो गई है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं और ये हमारा कैरमल शुगर सिरप बनके रेडी हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे हम अपने केक टिन को सबसे पहले ग्रीस करके रख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले केक टिन में हम थोड़ा सा ऑयल अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑयल को ग्रीस करने के बाद अब इस पर हम लगा देंगे बटर पेपर। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल ग्रीस करने के बाद इस पर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, उससे भी केक हमारा जो है बहुत आसानी से इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पे बटर पेपर हमने लगा दिया है, ये देखिए। तो इसको रखते हैं साइड में, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ वापस से हम लेंगे एक बोल और अब इसमें हम डालेंगे ये 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, आप यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप जो है मिल्क। तो सारी चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पे लेनी है, कुछ भी गर्म या ठंडा हमें नहीं यूज़ करना है। और अब इसको अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि दूध और ऑयल दोनों आपस में मिल जाएँ। इसे हमें तब तक फेंटते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब जो है हम लेंगे एक स्ट्रेनर। तो स्ट्रेनर में अब हम डालेंगे 2 कप मैदा। तो यहाँ पे हमने 2 कप मैदे का यूज़ किया है। तो 2 कप मैदा डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पे सिनेमन पाउडर यानी कि जो है दालचीनी का पाउडर, और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून क्लोव पाउडर यानी कि लौंग का पाउडर। तो हम क्रिसमस केक बना रहे हैं तो इसमें ये सारे स्पाइसेस जाते ही जाते हैं। तो इन सबको ऐड करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर ऐड करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसको हम छान लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे इसे अच्छे से हमें छान लेना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने छान लिया है और अब इसे हम अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ केक बनाते समय एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि केक को हमेशा हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। और अब इसमें मैंने शुगर सिरप और 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। और सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे केक को मिक्स करने के लिए हमें कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ करना चाहिए। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे जितने सोक किए हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क और ऐड किया है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे बराबर इसको चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून वेनेगर। तो वेनेगर हम एकदम लास्ट में डालेंगे और इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि केक को मिक्स करते समय बैटर को हमें हमेशा कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ करना चाहिए। एक बार हमें चलाना चाहिए और इसे फिर कट करना चाहिए। इसे हमें बार बार बहुत ही तेज़ फास्ट नहीं चलाना चाहिए। तो इसको हमें ये देखिए इस तरीके से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पे हमारा जो है बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम लेंगे वापस अपना ग्रीस किया हुआ केक टिन और अब इसमें हम जो है बैटर को डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने केक के बैटर को इसमें डाल देना है और डालने के बाद इसको हम जो है टैप कर देंगे। और टैप करने के बाद इसके ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और चेरी से इसको डेकोरेट कर देंगे। तो डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है आप वैसा करिए। तो यहाँ पे हम इसको थोड़े से ड्राई फ्रूट और चेरी से इसको कर देते हैं डेकोरेट। और डेकोरेट करने के बाद जो है हम इसको जो है बेक होने के लिए रखेंगे। तो आप इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको ओवन में बेक करने जा रही हूँ। तो आप इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे 60 से 65 मिनट के लिए हमें इसको बेक करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे पहले से ही प्रीहीट कर लिया था और अब इसे हम बेक होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे केक हमारा पक के रेडी हो चुका है बढ़िया से। इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक टूथपिक की हेल्प से हमें इसे सेंटर में डाल देना है। और इसको निकालने के बाद जब आपका टूथपिक जो है एकदम क्लीन निकली है तो तभी समझिए कि आपका केक जो है एकदम परफेक्ट बेक हो चुका है। तो अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे केक जो है हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसके साइड से अब हम इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। ये देखिए इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं ताकि हमें केक को टिन से निकालने में आसानी हो। और अब इसको हम रिमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे केक को हमें निकाल लेना है। इसे थोड़ा सा हम ऊपर से टैप करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए केक हमारा निकल गया है। बहुत बढ़िया केक बन के रेडी हुआ है। और अब इसके बटर पेपर को हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से भी हम इसमें बटर पेपर को निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक हमारा कितना बढ़िया बेक होके रेडी हुआ है। बहुत बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है ये देखिए। तो अब इसको जो है हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक बहुत बढ़िया बेक हुआ है और बहुत ही अच्छा केक बन के रेडी हुआ है। तो इस क्रिसमस पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका केक कैसा बना है। और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं अगर उन्हें हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं कट।
यहाँ पे ये देखिए, अब एक पीस को मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये बहुत बढ़िया बना है और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। घर में बड़ों बच्चों सभी को पसंद आता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया और कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। तो इस क्रिसमस पे इस केक को बनाइए और ट्राई करिए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।